गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर वाहनों की हो रही चेकिंग, जाने पूरी खबर इंसाफ की बात पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की बात और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जहाँ दरअसल दिल्ली पुलिस ने सुबह बैरिगेटिंग कर वाहनों की चेकिंग की तो गुरुग्राम दिल्ली एक्सप्रेस वे पर लंबा जाम लग गया। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क करके चेकिंग को बंद करवाया और बैरिगेटिंग को हटवा कर वाहनों को सुचारू रूप से जाने की इजाजत दी, जिसके बाद लोगों को जाम से कुछ राहत मिली। बता दें कि गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कटीले तार, मिट्टी से भरे ट्रक, आंसू गैस के गोले और बड़ी संख्या में बैरिगेट रखे गए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि अगर किसान यहां से एंट्री करने की कोशिश करते हैं तो दिल्ली पुलिस अपने बल का भी प्रयोग कर सकती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए बड़ी संख्या में जवानों को भी तैनात किया गया है। किसानों के दिल्ली कूच ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के तमाम बॉर्डरों को सील करना शुरू कर दिया है और इस वक्त मैं गुरुग्राम के दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर मौजूद हूँ। इसे रजौरी बॉर्डर भी कहा जाता है। दिल्ली पुलिस द्वारा सुबह से ही यहाँ पर बैरिगेटिंग कर वाहनों को चेक किया जा रहा था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को पता चला कि ये जो वाहनों की चेकिंग के चलते जो जाम लगा है, ये जाम दिल्ली के गुरुग्राम के इफ्को चौक फ्लाईओवर तक पहुंच चुका है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने बैरिगेटिंग को पीछे किया। बैरिगेटिंग को पीछे करने के बाद हालांकि जाम की स्थिति जरूर कम हुई, लेकिन अभी भी दिल्ली पुलिस संदिग्ध वाहनों को चेक कर रही है। फिलहाल गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर चेकिंग लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच गुरुग्राम और दिल्ली पुलिस दोनों ही इस बात पर भी नजर रखे हुए है कि यदि यहां से किसान जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पूरी तरह से रोका जाएगा। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें इंसाफ की बात।